हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी ट्रेवल एजेंसी वीडियो एग्ज़ाम को लेकर व अन्य सभी एग्ज़ाम को लेकर। तो क्या है नया अपडेट उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें। इसके अलावा मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्सों को देखने के लिए सिंपल से आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और आपको वहाँ पर मुझे सर्च करना है मेरा नाम सर्च बॉक्स में अभिनव सिंह। मेरे द्वारा बनाए गए यूपी ट्रेवल एजेंसी एग्ज़ाम के लिए सभी बेस्ट व बेहतरीन कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने वहाँ पर आपको अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए भी कोर्स लगातार दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो अपडेट निकल कर आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। भर्ती परीक्षाओं में सेंधमारी करना नामुमकिन होगा। अधीन सेवा चयन आयोग कर रहा खास बंदोबस्त। आवेदनों की बाढ़ रोकने के लिए होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। क्या है पूरा अपडेट? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी और सेंधमारी रोकने की विशेष इंतजाम करने जा रहा है। ऐसे लोगों पर आवेदन से लेकर परीक्षा होने तक खास नज़र होगी। साथ ही भर्ती में आवेदनों की बाढ़ को रोकने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पर यहां पर मंथन चल रहा है। आगे यहां पर क्या कि आवेदन को सिंगल विंडो, यानी कि आयोग ने सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था की है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आवेदन पत्र का एक चरण में ही लागू करने की व्यवस्था कर दी गई है। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था की गई है। फीस जमा करने पर दोहरे सत्यापन की सुविधा दी गई है और ई लॉगर की सुविधा के साथ प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था की गई है। आगे है कि तय समय में आवेदन पत्रों में संशोधन की सुविधा यहां पर दी गई है और बार कोड की व्यवस्था, यानी कि परीक्षा में धोखाधड़ी कर पात्र के स्थान पर कोई दूसरा शामिल ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश पत्र व साक्षात्कार पत्र में बार कोड व QR कोड छुपाए जा रहे हैं, इससे परीक्षा में सही अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक की पहचान की शुरुआत की गई है, जिससे परीक्षा से पहले धोखाधड़ी कर शामिल होने वालों को रोका जा सके। और प्रश्न पत्र की अलग से सिंगल पैकिंग की व्यवस्था यहां पर किया गया है, जिससे कि अभ्यर्थी ही उसे खोल सकेगा और बचे हुए सीलबंद वापस जो है आयोग के पास जाएंगे। इसलिए हो रही स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने पाया कि भर्ती के लिए निकलने वाले विज्ञापनों के बाद आवेदनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कम पद होने के बाद भी लाखों संख्या में आवेदन आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण में 694 पदों के लिए 3,38,423 आवेदन आए। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक में जो है 1,953 पद है, जहां पर 14,33,839 आवेदन आए। आयोग से मिले आंकड़ों की माने तो यह एक वानगी है, यह सिर्फ एक वानगी है। अन्य पदों के लिए भी लाखों आवेदन आ रहे हैं, इसलिए आयोग चाहता है कि योग्य अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा करा ली जाए, जिससे मुख्य परीक्षा में योग्य अभ्यर्थी ही यहाँ पर शामिल हो सके। तो यहाँ पर आपका जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके लिए तैयारी किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है आयोग के द्वारा। तो ये यहाँ पर आपका अपडेट है वीडियो एग्जाम को लेकर। तो अगर आपको ये पूरा अपडेट पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।